आज के टाइम पर मेडिकल टेक्नोलॉजी हमारी सोच से भी आगे जा चुकी है। आजकल डॉक्टर्स ऐसी सर्जरी भी कर लेते हैं जो कि हमने कभी सोची भी नहीं होती। लेकिन दुनिया में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि उन्हें देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। इस दुनिया में ऐसे कई बच्चे हैं जो कि बहुत ही अजीब डिफेक्ट्स के साथ पैदा हुए हैं, जिन्हें देखकर आप यही सोचोगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। आज इस वीडियो में आप कुछ बहुत ही अनोखे बच्चों से मिलने वाले हो, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक के देखते रहना। नंबर 8, एन की। बहुत से लोगों के बर्थ मार्क्स होंगे जैसे कि फेस या हाथ पर कोई मोल, लेकिन शायद आपने ऐसा बर्थ मार्क नहीं देखा होगा जो कि आपके आधे फेस को ही कवर कर ले। ऐसा ही कुछ चाइना के इस लड़के के साथ में हुआ। जिलिंस प्रोविंस चाइना के रहने वाले ओन की उम्र 8 साल है। इस लड़के की कंडीशन को देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। इस लड़के के हेरी बर्थ मार्क ने इसके आधे चेहरे को ढका हुआ है और पैदा होने के बाद से ही ये लगातार बढ़ रहा है, और इसी कंडीशन की वजह से इस बच्चे के आसपास के बच्चे से चिढ़ाते थे। लेकिन जल्द ही इसे इस कंडीशन से राहत मिल गई। इसी कंडीशन को देखते हुए द जी लिन मिनी यी प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने फ्री में इसका इलाज कर दिया। नंबर 7, द मास्क बॉय। अगर बर्थ डिफेक्ट्स की बात की जाए तो द मास्क बॉय की कंडीशन को देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। ह्यूकिंग चाइना के हुनान प्रोविंस का एक छोटा सा बच्चा है जो कि बहुत ही खतरनाक स्पेशल डिफॉर्मेशन कंडीशन के साथ पैदा हुआ था। आप इसका चेहरा देखो तो ये देखने में ऐसा लगता है कि जैसे इसने अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क पहना हुआ है। इसी कंडीशन को देखते हुए चाइना के लोगों ने इसे लाखों रुपये डोनेट किए हैं जिससे कि इसकी कंडीशन को ठीक किया जा सके। लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी कंडीशन को ठीक कर पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसके अपर माउथ और नीचे वाले हिस्से में बहुत ही ज़्यादा गैप है, जिसकी वजह से इसकी कंडीशन को ठीक नहीं किया जा सकता। ह्यू केंग की माँ ने बताया कि जब उन्होंने अपने बच्चे को पहली बार देखा था तो वो उसकी इस कंडीशन को देखकर बहुत डर गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके उन्हें इसके साथ रहने की आदत हो गई। नंबर 6, द बॉय विद जाइंट लेग्स। अगर आप मास्क बॉय की कंडीशन को देखकर हैरान हो तो आपको विंसेंट ओकेज से जरूर मिलना चाहिए। 10 साल का ये बच्चा 2013 में मर चुका है जिसे एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन थी जिसका नाम एलिफेंटाइसिस था, जिसकी वजह से इसके पैर दिन पे दिन बड़े होते जा रहे थे। इस कंडीशन की वजह से इस बच्चे का बैठना भी बहुत मुश्किल हो चुका था। विंसेंट कंपाला युगांडा का रहने वाला था। जब विंसेंट सिर्फ 18 महीने का था तभी उसके पैरों पर सूजन आना शुरू हो गई थी, लेकिन विंसेंट के माता पिता इतने गरीब थे कि वो उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकते थे, जिसकी वजह से इसके पैर दिन पे दिन बड़े होते गए। और जब विंसेंट को कंपाला के एक हॉस्पिटल ले जाया गया तब वहाँ के डॉक्टर्स भी इस कंडीशन को देखकर हैरान रह गए और उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। 2013 तक इस बच्चे की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी जिसकी वजह से इसे हार्ट अटैक आ गया और इसकी मौत हो गई। नंबर 5, टर्टल बॉय। डीडीआर मोंटाल्वो नाम के इस लड़के को टर्टल बॉय के नाम से भी जाना जाता है। मोंटाल्वो कोलंबिया में रहता है और ये एक बहुत ही रेयर और अनयूजुअल कंडीशन से जूझ रहा है जिसका नाम कंजेंटल मेलानोसाइटिक नर्व्स है, जिसकी वजह से इस बच्चे के पीठ पर एक कछुए जैसा शेल अटैच है। असल में ये कोई शेल नहीं है बल्कि ये एक बहुत बड़ा बर्थ मार्क है और ये एक मॉल है। इस बच्चे के पैदा होने के बाद से ही ये मार्क दिन पे दिन बड़ा होता गया और ये इतना बड़ा हो गया कि एक टर्टल की शेल की तरह दिखने लगा है, जिसकी वजह से इस लड़के का निकनेम टर्टल बॉय रख दिया गया। डीडीआर दूसरे बच्चों की तरह ही खेलना कूदना चाहता था, और जब ये स्टोरी पूरे देश के सामने आई तब यूके के लोगों ने इस बच्चे की बहुत ही हेल्प की और इसे काफ़ी डोनेशन मिला, जिसके बाद यूके के एक प्लास्टिक सर्जन नील बोस्टरोड ने इस बच्चे की बहुत ही हेल्प की और इसका फ्री में ही ट्रीटमेंट कर दिया, जिसके बाद से ये बच्चा एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। नंबर 4, कॉनी लॉयड, द बेबी विथ रेड नोज। अभी जो बेबी आप स्क्रीन पर देख रहे हो उसे देखकर ऐसा ही लगता है जैसे कि इसने किसी जोकर की नोज को पहना हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब कॉनी लॉयड सिर्फ 4 हफ्ते की थी तब उनके पेरेंट्स ने ये नोटिस किया कि उनका छोटा सा बर्थ मार्क जो कि उनकी नाक पर था वो दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा था। जब कॉनी को डॉक्टर के पास ले जाया गया तब डॉक्टर्स का ये मानना था कि ये बर्थ मार्क अंदर ही अंदर फैल रहा है, जिसे अगर टाइम रहते हुए ठीक नहीं किया गया तो इसे बहुत ही बड़ी इंजरी हो सकती है, और सिर्फ इंजरी ही नहीं बल्कि ये बच्ची मर भी सकती है। लेकिन फॉर्चुनेटली
डॉक्टर्स ने इसकी सर्जरी करके इसकी जान बचा ली। ये सर्जरी 3.5 घंटे तक चली, जिसके बाद कोनी की नाक हमेशा के लिए अच्छी हो गई। नंबर 3, सुपात्रा ससुफान। अभी जिस लड़की को आप देख रहे हो, ये लड़की थाईलैंड में पैदा हुई थी और इसे वर्ल्ड्स हैवीएस्ट गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके हाथ, पैर, फेस और बैक पर बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं। सुपात्रा एक बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा हुई थी, जिसका नाम हाइपरट्रिकोसिस है, जिसकी वजह से इंसान के बाल लगातार बढ़ते रहते हैं, और यही कंडीशन दुनिया में दूसरे लोगों को भी है। और इसी कंडीशन को वेयरवुल्फ सिंड्रोम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक इंसान जीता जागता एक वुल्फ की तरह लगता है। सुपात्रा की फैमिली ने लेजर ट्रीटमेंट करवाने का भी ट्राई किया, लेकिन उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। जैसे जैसे सुपात्रा की उम्र बढ़ती जा रही है, ये हेयर्स और ज़्यादा घने और मोटे होते जा रहे हैं। सुपात्रा की इस कंडीशन की वजह से उनका नाम गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है, जिसमें उन्हें दुनिया के सबसे ज़्यादा बाल वाली लड़की का रिकॉर्ड दिया गया है। नंबर 2, मोहम्मद कलीम। मोहम्मद कलीम इंडिया के झारखंड का रहने वाला है। इस बच्चे की उम्र 8 साल है। 2015 में कलीम की फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो गई थी, और जब लोगों ने इसके हाथों को देखा तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि इसके हाथ साइज में काफ़ी बड़े हैं। कलीम को जैंटिज्म का एक रेयर फॉर्म है, जिसकी वजह से उसके हाथ दिन पर दिन बड़े होते जा रहे हैं। इसकी कंडीशन ऐसी है जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान है और इसके इलाज की खोज में है कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। कलीम के हाथ लंबाई में 13 इंचेस हैं और इसमें हर हाथ का वजन 7.5 किलो से भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से गांव के लोग इससे डरते भी हैं, और कुछ लोगों का यह मानना है कि कलीम कोई शैतान है या फिर उस पर कोई बुरा साया है, और इसी वजह से स्कूल तक में उसे एडमिशन नहीं दिया गया। वहाँ की टीचर्स का ये मानना था कि दूसरे बच्चे कलीम को देखकर डर जाएंगे, इसलिए वो स्कूल में नहीं आ सकता। लेकिन आपको बता दें कि कलीम से डरने जैसा सा कुछ भी नहीं है, ना ही वो कोई शैतान है और ना ही उस पर बुरा साया है, बस ये बच्चा एक बहुत ही बुरी कंडीशन के साथ जूझ रहा है। कलीम के माता पिता बहुत ही गरीब हैं, जो कि उसका इलाज नहीं करवा सकते। वो महीने के सिर्फ 1500 रुपये ही कमा पाते हैं, जिससे कलीम का इलाज नहीं करवाया जा सकता। बहुत पब्लिसिटी करने के बाद कलीम की हेल्प के लिए साउथ इंडिया के डॉक्टर सामने आए हैं, जो कि कलीम की इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे हैं। नंबर 1, मिलाग्रोस सेरोन, द मरमेड गर्ल। अगर आपको ये लगता है कि मरमेड्स दुनिया में मौजूद नहीं है, तो आपको मिलाग्रोस सेरोन से मिलना चाहिए। ये बच्ची पेरू में पैदा हुई थी, और इस बच्चे को बहुत ही रेयर कंडीशन है, जिसका नाम सेरानो मिलिया है, जिसे मरमेड सिंड्रोम भी कहा जाता है। जब मिलाग्रोस पैदा हुई थी, तब उनके पैर आपस में जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से ये चल फिर नहीं पाती थी, और उनके पेरेंट्स को ही उन्हें एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाना पड़ता था, और ये कंडीशन देखने में एक मरमेड की तरह दिखाई देती है। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए मिलाग्रोस की बहुत सी सर्जरीज की गई, जिससे कि इसके पैरों को ठीक किया जा सके, और बहुत कोशिश करने के बाद ये लड़की अपने पैरों पर चलने में कामयाब हो गई। मरमेड सिंड्रोम एक बहुत ही रेयर जेनेटिकल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से लोअर स्पाइन और लोअर बॉडी पार्ट्स ठीक से डेवलप नहीं हो पाते हैं, और ये कंडीशन 1 लाख में से किसी एक बच्चे को होती है। ये कंडीशन इतनी खतरनाक है कि इससे किडनी पर भी इफेक्ट पड़ता है, और इसी प्रॉब्लम से मिलाग्रोस 15 साल की उम्र तक लड़ती रहीं, जिसके बाद उनकी किडनी फेल हो गई और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, अगर आपको कॉमेडी वीडियोस देखने का शौक है, तो आपको जिजी प्रोडक्शन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। इस चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर जाकर आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको इन सभी बच्चों में से किसकी कंडीशन सबसे खतरनाक लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।